उधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने दिल्ली में जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने संजय सिंह की जमानत, कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। दीपक बाबरिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। संजय सिंह को बेल मिलती हुई नजर आई है, पहला रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा? सर, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को फाइनली जो है बेल दी है, किस तरीके से देख रहे हैं? देर से आए दुरुस्त आए, इस समय इतना कहूंगा। जो प्रकार से उसको जेल भेजा गया था, जो प्रकार से कहा जाता है कि बिना कोई कॉन्क्रीट एविडेंस उसकी जो है कस्टडी हुई थी, और आज लंबे समय के बाद उसकी बेल हो रही है। सभी चीजें जो हैं बड़े क्वेश्चन मार्क और संशय मन में पैदा करते हैं, सवाल पैदा करते हैं। मगर ये देश के आज़ादी के इतिहास में 70 साल में इसी प्रकार के घटनाक्रम कभी नहीं हुआ था कि बिना ठोस पुरावे आप एक सांसद को, एक आपके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इसी प्रकार में जेल में ठूस के रखते हैं। सर, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो बेल थी उसका विरोध भी नहीं किया है। किस तरीके से इस पूरी रणनीति को आप देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं अब जो विकल्प है वो दूसरे नेताओं के लिए भी खुलते हुए नजर आएंगे। मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें तो एहसास हुआ होगा कि लोगों को जेल में डालने से नुकसान हुआ है, तो उसका समाधान ढूंढते होंगे, कोई डील करने का समाधान ढूंढते होंगे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह जी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। They are the people of manipulation. ये देश के लोगों को कैसे भ्रमित करना, कैसे मूर्ख बनाना, कैसे जुमलाबाजी करना, कहना मुश्किल है। तो जो है पता नहीं क्या कौन सी मनसा से हो रहा है। सर, हरियाणा को लेकर बात करें, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी देखने को मिलती हुई नजर आई। सर, किस प्रकार की चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आई? बीजेपी के 10 उम्मीदवार मैदान में। मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि बीजेपी ने तो नाम घोषित कर दिया, हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं थी। 25 तारीख का चुनाव है और सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए कर रहे हैं। आज स्क्रीनिंग की मीटिंग हुई और वो मीटिंग में भी जो कुछ भी चर्चा हुई है बड़ी तंदुरुस्त एटमॉस्फेयर में हुई, हेल्दी एटमॉस्फेयर में, और बाय एंड लार्ज सभी सीटों के ऊपर एक यूनिनिमिटी बन गई और अपनी पैनल जो है आज कल तक वहाँ पेश हो जाएगी। फिर भी सर, कब तक उम्मीद करें कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आती हुई नजर आ सकती है? और उसके साथ साथ एक सवाल ये भी कि सर 300 के लगभग जो दावेदार थे वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। क्या क्राइटेरिया रहा सर पूरी जो है लिस्ट में से छाटने का? जीतना वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, सामाजिक समीकरण बनना वो दूसरा क्राइटेरिया है, वर्करों में एक्सेप्टेंस बनना वो तीसरा क्राइटेरिया है, खुद की छवि एक चौथा क्राइटेरिया है, खुद की एक्टिविज्म वो पांचवा क्राइटेरिया है। आप सबको समझन कर लो किसको कितना, और सर्वे रिपोर्ट है वो भी एक छठा क्राइटेरिया है। तो उसका सबका टोटल कर लो, उसका एक जो नतीजा होता है वो निकलता है। कब तक आ जाएगी लिस्ट, कब तक उम्मीद है? शाम तक की उम्मीद है, 5 तारीख रात तक की उम्मीद है मेरी। कब सीईसी मिलते हैं उसके पर निर्भर है। मेरे समझ में कांग्रेस अध्यक्ष और वेणुगोपाल जी बाहर होंगे तो मीटिंग की डेट एक दिन आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है कल भी हो जाए, अन्यथा 5 तारीख हो जाए या तो 6 भी हो जाए, मगर अगले 2-3 दिन में कभी भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपक बाबरिया जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।